बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, इंजामे गुलिस्तान क्या होगा। नाज़रीन ZKF न्यूज़ के साथ तारिक मीर का सलाम कबूल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज हम बात करेंगे, आप लोगों ने एक वीडियो क्लिप देखा होगा हमारे पाकिस्तान के नए होने वाले चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस फ़ैज़ ईसा साहब का। तो आइए वो क्लिप आपको एक बार फिर दिखाता हूँ, तो फिर मैं उसके बाद अपनी गुफ्तगू में करता हूँ। ये मेरा जो टॉपिक है ज़रा सा फ़र्क है जो इन्हें लिखा, मैंने लिखा आईन, इस्लाम और बुनियादी हकूक। अब आपको बताऊंगा कि आईन पहले क्यों आया और इस्लाम बाद में क्यों आया। क्योंकि आईन जो है वो हर शहरी को तहफ़ देता है, उसमें ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, दूसरे मजाहब भी हैं, सिख भी हैं। तो आईन पहले आएगा और इस्लाम इसलिए बाद में। क्लिप आपने, वीडियो क्लिप आपने देख लिया, इसमें मौसूफ ने क्या फरमाया कि मैंने अपनी तकरीर को तीन हिस्सों में डिवाइड किया। सबसे पहले हिस्से में मैंने क्या रखा, कहते हैं सबसे पहले हिस्से में मैंने आईन रखा, फिर मैंने इस्लाम रखा और फिर मैंने बुनियादी हकूक रखे। जब मैंने उनके ये जुमले सुने, मैं हैरान हो गया कि ये वो शख्स हैं जिनको हमारे कुछ हजरात अहले इल्म हजरात, हत्ता के वो इनको काजी इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह की तरह बना बना कर पेश कर रहे थे कि जान जाने ये कितनी बड़ी कोई इल्मी शख्सियत हैं, जब ये आएंगे तो शायद दौरे फारूकी जो है वो वापस आ जाएगा। तो इस किस्म की सोच और फिक्र इनके बारे में एक मशहूर की जा रही थी। जब इनका मैंने वो गुफ्तगू सुनी तो मुझे हैरत हुई कि इनकी तो सोच और फिक्र हमारे साबकीन जो गुज़रे हैं उनसे भी गई गुजरी निकली। मौसूफ को ना जाने इतना भी शायद मालूम नहीं है, वो फरमाते हैं जी मैंने सबसे पहले आइन रखा और आइन रखने की रीज़न ये है कि आइन जो है वो तमाम की तमाम अकलीतों को तहफ़ देता है, तमाम की तमाम अकलीतों के तहफ़ की बात करता है। मुझे बड़ी हैरत हुई कि मौसूफ कहाँ पढ़ते रहे, कौन सी दुनिया से ये डिग्रीज लेते रहे, क्या मौसूफ का नॉलेज इतना भी नहीं है कि इस्लाम पहले है या आइन पहले है। मौसूफ इतना भी नहीं जानते कि आइन जिसको हम आज आइन कहते हैं, अगर सही मानों में किसी ने कायनात में दिया तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने दिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इवन अगर आप बात करते हैं इंसानी हकूक़ की, तो तारीख तो ये बात बयान करने से कासर है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से पहले किसी ने इंसानी हकूक़ का कोई चार्टर दिया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर जो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। और फिर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मदीना तैयबा की रियासत थी, क्या उस रियासत के अंदर गैर मुस्लिमों के हकूक़ नहीं थे, क्या ईसाइयों के हकूक़ नहीं थे, क्या वहाँ पर यहूदियों के हकूक़ नहीं थे, क्या वहाँ पर सिखों और दीगर मजाहब के हकूक़ नहीं थे। मुझे तो हैरत हुई मौसूफ की ये गुफ्तगू सुनकर, मुझे तो यूँ लगा कि पहले हम ये सुना करते थे कि जनरल अमीद गुल साहब फरमाते थे कि हमारा चीफ बड़ा जो हमारा जनरल उस वक्त बनता है चीफ जिसको बाहर से मंजूरी मिलती है, और मौसूफ की गुफ्तगू सुनकर तो मुझे यूँ लगा कि शायद चीफ जस्टिस बनाने के लिए भी हमें जिनकी मंजूरी चाहिए होती है हम उनकी तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, तब जाकर हमें इस मौके पर जो है वो लोग हमें इस मुकाम पर लोग हमें सेलेक्ट करते हैं। मुझे हैरत हुई इस बात पर कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम हमें दिया है उसमें तो इंसान जानवरों के भी हकूक़ हैं, उसमें इंसान हैवान जिन्नात उसके अंदर अगर हम तसव्वुर करें, अगर हम जो है वो तलाश करें, हमें तो ये भी मिलता है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा किराम को जो तालीमात दी उनमें तो ट्रीज़ यानी दरख्तों के भी हकूक़ थे कि जंगों के दौरान आपने फलदार दरख्तों को नहीं काटना। वो कौन से रस्तों के बारे में मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रास्ता है इसके भी हकूक़ हैं, वो कौन सी चीज़ है कि जिसके हकूक़ मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाए। तो मौसूफ ने फरमाया जी कि मैंने पहले ये कानून इसलिए रखा चूँकि फ़लाँ 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 के कवानीन हैं, और वो इसलिए मैंने इस्लाम को बाद में रखा। तो इसलिए गुजारिश है कि मौसूफ से आप मुस्तकबिल में, ज़ाहिर बात है जिनके तहफ़ के लिए आपने आगे जाना है तो आपने कल चीफ़ जस्टिस भी बनना है, तो थोड़ी सी मालूमात जो है वो इस्लाम की भी हासिल कर लें कि इस्लाम जो है इससे बढ़कर हकूक और किसी ने नहीं दिए। लॉ जो है इस्लाम का जो लॉ है जो कि इस्लाम ने हमें दिया उसकी हकूक़ सबसे बढ़कर हैं, और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
और कुरान करीम के अंदर हर हर चीज़ के हकूक दर्ज हैं। इसलिए मेहरबानी फरमाकर पहले इस्लाम को रखें और इस्लाम के बाद आप जो है वो अपने कवानीन को लाएं। और आपके जुमले से तो मुझे यूं लगा कि शायद जब तक 70 की दहाई में जब तक पाकिस्तान का कानून नहीं बना था तो उस वक्त तक जो है वहाँ पर कोई सिस्टम था ही नहीं। इस्लाम तो उससे पहले भी था, निज़ाम तो उससे पहले भी चल रहा था। इसलिए मेहरबानी फरमाकर अपनी इस्लाह फरमा लें, क्योंकि अगर इसी